पॉसिबल जेनोटाइप्स, हमारे पास पॉसिबल जेनोटाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इफ आई हैव अ जेनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल ए, तो इस जेनोटाइप में तो स्मॉल ए है ही नहीं, तो अगर ये नहीं है तो दिस इज गोइंग टू बी अ नॉर्मल पर्सन, दिस इज गोइंग टू बी अ नॉर्मल पर्सन। बट इफ आई हैव अ अदर पर्सन दैट इज गोइंग टू बी कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये स्मॉल ए तो प्रेजेंट है लेकिन सिंस स्मॉल ए रिसेसिव है खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी अ कैरियर स्टेट, दिस इज गोइंग टू बी अ कैरियर स्टेट। एंड स्टूडेंट इफ वी हैव गॉट समवन इन द होमोजाइगस स्टेट, तो दिस पर्सन इज नाउ सफरिंग फ्रॉम फेनाइल कीटोन्यूरिया, दिस पर्सन इज द अफेक्टेड पर्सन, ये तुम्हारा अफेक्टेड है कौन से बीमारी से, तो फेनाइल कीटोन्यूरिया से। तो ऑलवेज डू रिमेंबर जो भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीजेस होते हैं, जो भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीजेस होते हैं वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं ओनली इन द होमोजाइगस स्टेट। एंड नाउ स्टूडेंट मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, आपको एक क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है कि इफ टू कैरियर इंडिविजुअल्स, इफ देयर इज अ मेल and if there is a female and both are carriers for phenylketonuria, so what is the chance that their offspring is going to suffer from phenylketonuria? So agar aisa kuch bhi hai to student we will simply draw a Punnett square, hum log dono ke gametes ko likhenge, here will be capital A small a, here will be capital A small a, and now we are going to fuse them, so what we are going to get, capital A capital A capital A small a capital A small a and small a small a, in sabhi mein student केवल और केवल ये इंडिविजुअल ऐसा है जो कि सफर करने वाला है फेनाइल क्यूटोन्यूरिया से, तो व्हाट इज द चांस दैट देयर ऑफस्प्रिंग इज गोइंग टू सफर फ्रॉम फेनाइल क्यूटोन्यूरिया, तो आंसर इज गोइंग टू बी 1/4 दैट इज 25%। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी आपको यहां पे पूछे जा सकते हैं। अब स्टूडेंट थोड़ा देखते हैं कि आखिर फेनाइल कीटोन्यूरिया, आखिर फेनाइल कीटोन्यूरिया होता क्या है, व्हाट आर द सिम्टम्स फॉर दिस। ओके तो चलिए स्टूडेंट्स लेट्स सी अबाउट दिस इन मच डिटेल। अब देखिए स्टूडेंट होता क्या है कि देयर इज अ अमाइनो एसिड कॉल्ड एज द फेनाइल एलानिन, जस्ट पे अटेंशन, देयर इज अ अमाइनो एसिड कॉल्ड एज द फेनाइल एलानिन। ओके अब देखो ये जो फेनाइल एलानिन होता है ये हमारे लिए एक एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है, ये हमारे लिए एक एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है, तो दिस इज अ एसेंशियल अमाइनो एसिड। ओके नाउ पे अटेंशन, सिंस ये एसेंशियल अमाइनो एसिड है तो इसे आपको अपने फूड में लेना पड़ेगा क्योंकि आपका बॉडी इसे सिंथेसिस नहीं कर पाता है। बट इस फेनाइल एलानिन के ऊपर जब एक एंजाइम काम करता है और उस एंजाइम का नाम है फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, जब ये एंजाइम इसके ऊपर काम करता है तो वो इसे कन्वर्ट कर देता है इनटू टायरोसिन, क्या चीज में कन्वर्ट करता है, इनटू टायरोसिन। एंड स्टूडेंट यू नो दैट टायरोसिन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, मैंने आपको बहुत बार सिखाया है ये चीज, आपको हमेशा याद होना चाहिए कि टायरोसिन से हमारे बॉडी में क्या क्या चीजें बनती हैं, टायरोसिन से हमारे बॉडी में क्या क्या चीजें बनती हैं, तो पे अटेंशन, टायरोसिन से हमारे बॉडी में बनता है T3 T4, मतलब थायरॉयड के हॉर्मोन्स बनते हैं, टायरोसिन से हमारे बॉडी में बनता है कैटकॉल अमाइंस, तो सर ये कैटकॉल अमाइंस क्या होते हैं, तो कैटकॉल अमाइंस होता है ऐसे हॉर्मोन्स जिनको कि हम लोग एपीनेफ्रिन एंड नॉर एपीनेफ्रिन बोलते हैं, जिनको कि हम लोग एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन बोलते हैं, टायरोसिन से ही हमारे बॉडी में बनता है डोपामीन और टायरोसिन से ही हमारे बॉडी में बनता है
सॉरी द मेलानिन, एड्रेनलिन तो मैंने पहले ही बता दिया है, तो स्टूडेंट इसी से हमारे बॉडी में बनता है समथिंग कॉल्ड एज द मेलानिन. सो दीज आर द थिंग्स दैट आर गोइंग टू बी सिंथेसाइज डायरेक्टली फ्रॉम द टायरोसिन. तो ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म होता है जो कि हमारे बॉडी में चल रहा है. लेकिन फेनाइल क्यूटोन्यूरिया में देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड द प्रॉब्लम इज दीज पीपल हैव गॉट द डेफिशिएंसी. इस एंजाइम का डेफिशिएंसी होता है. अब बताइए कि अगर ये एंजाइम आपके पास कम हो गया, डेफिशिएंट हो गया, अगर ये एंजाइम आपके पास कम हो गया तो क्या आपका बॉडी टायरोसिन बना पाएगा? क्या आपका बॉडी टायरोसिन बना पाएगा? ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, नॉर्मली टायरोसिन हमारे बॉडी में खुद से बन जाता है. तो टायरोसिन भी एक अमाइनो एसिड है, लेकिन ये खुद से बन जाता है. इस कारण से इसे हम लोग बोलते हैं नॉन एसेंशियल. इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड. ऐसा अमाइनो एसिड जो कि आपका बॉडी खुद बना सकता है, दैट इज कॉल्ड नॉन एसेंशियल, और जिसको नहीं बना सकता है दैट इज कॉल्ड एसेंशियल. तो फेनाइल एलानिन हमारे लिए क्या होता है? फेनाइल एलानिन इज अ एसेंशियल एंड टायरोसिन इज अ नॉन एसेंशियल. लेकिन फेनाइल क्यूटोन्यूरिया में देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज. इस एंजाइम का नाम याद होना चाहिए. तो स्टूडेंट जैसे इसका कमी होगा, अब तुम्हारे बॉडी में टायरोसिन नहीं बन पाएगा, और अगर टायरोसिन नहीं बन पाएगा तो इतने सारे चीज नहीं बनने वाले हैं, तो ऑल द प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू कम. स्टूडेंट इस डिजीज में ये जो तुम्हारा अमाइनो एसिड पहले नॉन एसेंशियल था वो अब आपके लिए क्या हो जाएगा? एसेंशियल हो जाएगा. तो एक बहुत ही लाजवाब सुंदर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फेनाइल क्यूटोन्यूरिया में कौन सा अमाइनो एसिड जो पहले नॉन एसेंशियल था लेकिन अब एसेंशियल हो जाता है? तो आंसर इज गोइंग टू बी द टायरोसिन. वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इट कैन बी आस्क्ड इन द नीट एग्जाम. और देखिए इसके साथ क्या होता है, ये जो फेनाइल एलानिन है नॉर्मली हमारे बॉडी में मेटाबोलाइज हो जाता था, लेकिन अब तो मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके पास डेफिशिएंसी है फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की. और जैसे आपके पास इसकी डेफिशिएंसी होगी, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? दिस फेनाइल एलानिन इज गोइंग टू एक्यूमुलेट. दिस इज गोइंग टू एक्यूमुलेट. एंड जस्ट सी स्टूडेंट, जब ये एक्यूमुलेट करता है तो फेनाइल एलानिन इज ऑक्सीडाइज्ड. जो फेनाइल एलानिन होता है, दिस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू समथिंग कॉल्ड एज द फेनाइल पाइरोवेट. फेनाइल पाइरोवेट एंड फेनाइल एसीटेट. फेनाइल पाइरोवेट एंड फेनाइल एसीटेट. नाउ ये जो फेनाइल पाइरोवेट होते हैं या फेनाइल एसीटेट होते हैं, ये आपके ब्रेन टिश्यू को डैमेज कर सकते हैं. याद रखिए स्टूडेंट, व्हाट दे आर गोइंग टू डू? तो दे आर गोइंग टू डैमेज द ब्रेन टिश्यू. दे विल डैमेज द ब्रेन टिश्यू. और अगर आपका ब्रेन टिश्यू डैमेज हुआ तो इसके कारण से व्हाट कैन हैपन? द चाइल्ड कैन सफर फ्रॉम मेंटल रिटार्डेशन. तो याद रखिए, द चाइल्ड माइट सफर फ्रॉम मेंटल रिटार्डेशन. नॉट ओनली दिस, आपका बॉडी कोशिश करेगा इस फेनाइल एसिटेट या फेनाइल पाइरोवेट को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने का. एक्सक्रीट आउट क्या चीज में करेगा? तो यूरिन में करेगा. तो स्टूडेंट्स दे आर गोइंग टू बी excreted in the urine. They will be excreted in the urine. और जब ये urine में excrete होंगे तो student ये होते हैं ketone bodies. तो phenyl ketonuria, इसी कारण से इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं phenyl ketonuria. And याद रखिए student, ये जो फेनाइल पाइरोवेट होता है इसका जो स्मेल होता है वो बहुत ही खराब होता है. तो आपका जो यूरिन है वो भी बहुत बैड स्मेलिंग होगा. तो यहां पर यूरिन क्या हो जाएगा? तो यू विल बी हैविंग अ फाउल स्मेलिंग यूरिन. तो दीज आर द फीचर्स ऑफ व्हाट समथिंग कॉल्ड एज द फेनाइल कीटोन्यूरिया.
तो अगर आप इसे अच्छे से समझ रहे हैं, हर पॉइंट मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है, तो ध्यान दीजिए एक बार फिर से। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हमारे बॉडी में फेनाइल एलानिन नाम का एमाइनो एसिड चेंज हो जाता है इंटू टायरोसिन, और टायरोसिन से हमारे बॉडी में थायराइड के हार्मोन बनते हैं, एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन बनता है, डोपामीन बनता है, मेलानिन बनता है, और सब कुछ नॉर्मल चलता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास डेफिशिएंसी हो जाए फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज का, तो उसके कारण से टायरोसिन नहीं बन पाएगा, और जब टायरोसिन नहीं बनेगा तो ये सब चीज भी नहीं बन पाएंगे, सारे चीजों का डेफिशिएंसी हो जाएगा और बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे। बट इसके साथ साथ ये जो फेनाइल एलानिन है जो कि पहले टायरोसिन बन जाता था, अब दिस इज गोइंग टू गेट एक्यूमुलेटेड, और जब ये एक्यूमुलेट करता है तो दिस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू समथिंग कॉल्ड द फेनाइल पाइरोवेट और फेनाइल एसीटेट। अब जो ये फेनाइल पाइरोवेट या एसीटेट होते हैं, दे आर वेरी टॉक्सिक फॉर द ब्रेन टिश्यू एंड दे कैन डैमेज द ब्रेन टिश्यू काउजिंग मेंटल रिटार्डेशन, और बॉडी कोशिश करता है इसे एक्सक्रीट करने का इन द यूरिन, और जब यूरिन में आते हैं तो दे आर वेरी बैड स्मेलिंग, दैट्स वाई यू आर गोइंग टू गेट अ फाउल स्मेलिंग यूरिन। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द फेनाइल कीटोन्यूरिया जो कि आपको पता होना चाहिए। बट स्टूडेंट द मिनिमम थिंग दैट यू शुड ऑलवेज नो, जनरली नीट के एग्जाम में तो क्वेश्चंस आर वेरी इजी, तो हमेशा कम से कम ये याद रखिए, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, कि फेनाइल कीटोन्यूरिया, जस्ट पे अटेंशन, जनरली अगर किसी भी नाम के आगे में रिया लगा रहे, जनरली अगर किसी भी नाम के आगे में रिया लगा रहे तो ध्यान रखिएगा ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होता है। ये एक सिंपल सा ट्रिक है, अगर नाम के आगे में रिया लगा रहे तो दिस इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। क्वेश्चन पूछेगा कि फेनाइल क्यूटिन्यूरिया में कौन से एंजाइम का डेफिशिएंसी होता है, तो नेवर वरी, आंसर इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन ओनली। आप इसके पहले दो लेटर को देखिए, फेनाइल क्यूटिन्यूरिया का पहला दो लेटर क्या है, पी एंड एच, दिस इज द आंसर ऑल्सो। तो भाई क्या आंसर होने वाला है, द आंसर होने वाला है फेनाइल एलानिन एच फॉर हाइड्रोक्सिलेज, फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। होप स्टूडेंट सारे लोगों को ये टॉपिक पूरा क्लियर समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो जल्दी से बोलो मजा आ रहा है, और कमेंट सेक्शन को भर दो मजा आ रहा है से। ओके सर, चलिए सर जल्दी 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 जल्दी, यस सर क्रिस्टल क्लियर सर, ओके ओके जल्दी जल्दी स्टूडेंट, बिल्कुल सोचो मत, बिल्कुल सोचो मत, लाइक बटन दबा दो यार। ओके ओके एक्सेलेंट एक्सेलेंट, प्लीज सर एक बार फिर, नहीं नहीं अब एक बार फिर तो नहीं यार, आप प्लीज इसको देख लीजिएगा, मैंने दो तीन बार पूरे को समझा दिया है, ठीक है, मैंने दो तीन बार पूरे को समझा दिया है, तो एक बार फिर तो नहीं हो पाएगा। यस सर, काउंटर करंट मैकेनिज्म भी आएगा यार, काउंटर करंट मैकेनिज्म भी आएगा, और इतना मस्त बताऊंगा, पूरे इंडिया में कोई नहीं बताएगा आपको, इतना मस्त काउंटर करंट बताऊंगा आपको कि एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, आने दो एक एक करके सारे चीजों को आने दो, ठीक है। ओके सर, चलिए वेरी गुड वेरी गुड, 106 पीपल आर वॉचिंग अस लाइव एंड स्टूडेंट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, अलकैप्टोन्यूरिया। अब बात करेंगे अलकैप्टोन्यूरिया के बारे में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगेन पे अटेंशन टू दिस वेरी वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड, अगेन द सेम थिंग इज हियर, क्या नाम है, रिया। अगर रिया है तो ये भी कैसा डिजीज है, तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ ऑटोसोमल रिसेसिव, ये भी होने वाला है ऑटोसोमल रिसेसिव, तो इसका भी जो इनहेरिटेंस का पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है एज द फेनाइल कीटोन्यूरिया, जो इनहेरिटेंस पैटर्न वहां पे था वही इनहेरिटेंस पैटर्न यहां भी है। होप एवरीबॉडी गॉट दिस। चलिए स्टूडेंट्स अब देखिए यहां पे होता क्या है, इन द अलकैप्टोन्यूरिया होता क्या है, देखिए नॉर्मली व्हाट हैपेंस, ये जो तुम्हारा फेनाइल एलानिन है, जस्ट पे अटेंशन, फेनाइल एलानिन है, जब ये कन्वर्ट होता है इनटू टायरोसिन,
और स्टूडेंट जब ये टायरोसिन से आगे बढ़ता है तो बीच में देयर इज अ प्रोडक्ट, देयर इज अ इंटरमीडिएट दैट इज फॉर्म्ड एंड दैट इंटरमीडिएट इज होमोजेंटिसिक एसिड। तो ये एक इंटरमीडिएट बनता है आफ्टर टायरोसिन। क्या नाम बोला मैंने? होमोजेंटिसिक एसिड। बस नाम याद रखिएगा, ठीक है। अब आप देखिए, इसके बाद इसे फर्दर मेटाबॉलिज्म के लिए, मतलब इसके बाद के स्टेप के लिए आपको जरूरत होता है समथिंग कॉल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है होमोजेंटिसिक एसिड, वही नाम लिखिए और आगे में लगा दीजिए ऑक्सीडेज। तो सिंपली रिमेंबर द नेम ऑफ द एंजाइम, होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज। ये एंजाइम क्या करता है? होमोजेनिस्टिक एसिड को मेटाबोलाइज करता है। लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस डिजीज। इस डिजीज में क्या होता है कि देयर इज अ डेफिशिएंसी। यहां पर भी हो जाता है क्या सर? डेफिशिएंसी। तो सर क्या चीज का डेफिशिएंसी हो जाता है? तो इस एंजाइम का डेफिशिएंसी हो जाता है होमोजेनिस्टिक एसिड ऑक्सीडेज का डेफिशिएंसी हो जाता है। अब अगर डेफिशिएंसी हो गया तो क्या इसका मेटाबॉलिज्म हो पाएगा? तो नो सर। तो स्टूडेंट जस्ट सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। दिस होमोजेनिटिक एसिड विल एक्यूमुलेट, दिस इज गोइंग टू एक्यूमुलेट। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब ये एक्यूमुलेट करता है, तो ये भी ऑक्सीडाइज होता है, और जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो दिस ऑक्सीडाइजेस इनटू अ प्रोडक्ट कॉल्ड अलकैप्टॉन। ये क्या चीज में? अलकैप्टॉन नामक एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अब जो ये अलकैप्टॉन होता है, दिस इज ब्लैक इन कलर। याद रखिए अलकैप्टॉन का कलर क्या होता है? ब्लैक इन कलर। नाउ स्टूडेंट, दिस अलकैप्टॉन हैज गॉट एफिनिटी फॉर द सॉफ्ट टिश्यू। आपके बॉडी में जो सॉफ्ट टिश्यू होता है, कार्टिलेज होता है, उसके लिए एफिनिटी होता है अलकैप्टॉन के पास। तो दिस अलकैप्टॉन गेट्स डिपॉजिटेड कहां पे? तो ध्यान दीजिए, ये तो डिपॉजिट हो सकता है आपके नोज में, ये डिपॉजिट हो सकता है आपके ईयर्स में, ये डिपॉजिट हो सकता है आपके गम्स में, ये डिपॉजिट हो सकता है इन द कॉर्निया। तो स्टूडेंट अगर इनते सारे जगहों पे ये डिपॉजिट होगा, सारे चीजों का कलर काला काला हो जाएगा। यू विल हैव ब्लैक नोज, ब्लैक ईयर, ब्लैक गम्स, ब्लैक कॉर्निया, एवरीथिंग विल बिकम ब्लैक इन कलर। कोई बात नहीं, अगर ये सब काले हो भी गए तो क्या हो जाएगा? बट द प्रॉब्लम कम्स when this alkepton gets accumulated in the joints. तो student, जब ये joints में accumulate होता है तो arthritis करवा देता है। तो student इसके कारण से the major problem comes. तो this causes arthritis by accumulating in the joints. मेनली ये आपके स्पाइन में, मतलब वर्टिब्रल कॉलम में भी जाके एक्यूमुलेट कर जाता है, वहां पे भी जाके आर्थराइटिस करा देता है। तो ज्वाइंट्स में ये प्रॉब्लम कराने वाला है। एंड अगेन आपका बॉडी कोशिश करेगा इसे एक्सक्रीट करने का, कहां पे? इन द यूरिन। तो स्टूडेंट दिस इज गोइंग टू बी एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। और अब जब ये यूरिन में एक्सक्रीट होगा तो आपका यूरिन का कलर क्या हो जाएगा? तो ब्लैक कलर यूरिन। तो स्टूडेंट डरिएगा मत,
कोई काला जादू नहीं हुआ है. यू आर सफरिंग फ्रॉम वॉट? यू आर सफरिंग फ्रॉम अल्केप्टोन यूरिया इफ यू आर पासिंग काला काला यूरिन. होप स्टूडेंट्स एवरीबडी गॉट दिस. तो दिस इज द ऑल अबाउट द अल्केप्टोन यूरिया. ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है अल्केप्टोन यूरिया के बारे में. होप एवरीबडी गॉट दिस. यस सर, वेरी 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 गुड. अब थोड़ा सा यहां पे देखते हैं कमेंट सेक्शन को थोड़ा सा. ओके ओके, वेरी गुड. चलिए सर, चलिए स्टूडेंट, मजा आ गया. एंड नाउ सी हेयर स्टूडेंट, व्हाट यू नीड टू नो लिटिल बिट फर्दर. जनरली क्या होता है, व्हाट आई हैव सीन इन द एग्जाम, कि एग्जाम में वो लोग जब एक साथ ये पूछते हैं फेनाइल कीटोन्यूरिया एंड व्हेन दे आस्क अल्केप्टोन्यूरिया, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने क्या चीज में क्या पढ़ा था, और थोड़ा सा कभी कभी आंसर ऊपर नीचे कर देते हैं. तो देखिए, सबसे पहला चीज अगर तुमको यहां पे थोड़ा भी ध्यान है, व्हाट दे कैन आस्क, इनका इनहेरिटेंस क्या है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव है. दूसरा दे कैन आस्क कि किसमें कौन से एंजाइम का डेफिशियंसी होता है. तो अगर तुमने वो मेरा पहला वाला ट्रिक याद है तो आप आराम से आंसर कर सकते हो कि ये वाला में तो भाई पीएच ही आंसर है, तो यहां पर वी हैव गॉट फेनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज. फेनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज. तो यार इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. तो अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो आप यहां पे आराम से लिख सकते हैं कि इसमें कौन सा एंजाइम का डेफिशिएंसी होगा, तो यू विल बी हैविंग होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज. तो यार ये भी हम लोग समझ गए. अब दूसरा जो चीज प्रॉब्लम होता है कि ब्लैक कलर का यूरिन किस में आएगा. तो देखिए, इसे थोड़ा सा दिमाग में रखने के लिए आप थोड़ा ऐसे सोचिएगा, आप क्या कीजिएगा, दोनों नाम के आगे में कैपिटल बी लगा दीजिए, दोनों नाम के आगे में. तो जैसे ही तुम इसके आगे में लगाते हो बी, अल्केप्टोन यूरिया के आगे में, बी के बाद ए है, एल है, के है, पी है, अल्केप्टोन यूरिया. तो अब जैसे तुमने बी लगाया, अब देखो तो लगभग ब्लैक के सारे लेटर्स इसमें आ गए हैं. बी भी आ गया है, एल भी आ गया है, ए भी आ गया है, के भी आ गया है. ये अपने बता देगा कि ब्लैक कलर यूरिन किस में आएगा. तो ब्लैक कलर यूरिन किस में आएगा, तो दैट इज गोइंग टू बी इन द अल्केप्टोन्यूरिया. आपके घर में फेनाइल का इस्तेमाल होता होगा, आपके घर में फेनाइल का इस्तेमाल होता होगा, तो क्या फेनाइल ब्लैक कलर का होता है? नो सर. तो ऑलवेज रिमेंबर, फेनाइल कीटोन्यूरिया में कभी भी ब्लैक यूरिन नहीं आएगा. और फेनाइल का स्मेल क्या मस्त होता है? नो सर, फेनाइल इज अ फाउल स्मेलिंग लिक्विड. तो स्टूडेंट यहां पे जो यूरिन आएगा वो कैसा आएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी फाउल स्मेलिंग यूरिन. तो होप स्टूडेंट अब आप कभी भी गलती नहीं करेंगे इस सुंदर से ट्रिक को जानने के बाद. यू कांट मेक अ मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन एवर. ओके स्टूडेंट, यस सर, यस सर, ओके सर. एक बार आप लोग ये सब चीज समझ गए, ओके. एक क्वेश्चन है यहां पे कि समथिंग कॉल सर, इज इट ब्रेक बोन्स? यस सर, इसे हम लोग जो अल्केप्टोन्यूरिया है इसे हम लोग ब्रेक बोन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आर्थराइटिस के सिम्टम्स शो करता है. बट जनरली याद रखिएगा, ब्रेक बोन फीवर, एक क्वेश्चन आप लोग से जो पूछा जाता है, ब्रेक बोन फीवर क्या होता है, तो ब्रेक बोन फीवर हम लोग डेंगू को बोलते हैं. डेंगू में जो बोन होता है उसमें इतना पेन होता है कि लगता है कि आपकी हड्डियां टूट जाएंगी. तो ब्रेक बोन फीवर अगर आपसे पूछे तो डेंगू आंसर होगा. और अगर ब्रेक बोन डिजीज करके अल्केप्टोन्यूरिया में लिखा हुआ है तो यस सर, वो भी तुम्हारा सही है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं. और अब हम लोग नया सर प्लस में नया बैच कब स्टार्ट हो रहा है फॉर 2020? तो दिस इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द मार्च. याद देखिए,
मार्च से प्लस का नया कोर्सेस स्टार्ट होंगे, नए बैचेस स्टार्ट होंगे। ओके चलिए सर, अब थोड़ा सा जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और मजा लेते हैं कुछ अच्छे टॉपिक का। आज बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आया हूं एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल डिजीज अगेन, डाउन सिंड्रोम। तो बहुत मजा आएगा। चलिए स्टूडेंट थोड़ा सा पढ़ते हैं इस डाउन सिंड्रोम को। यस सर, ओके सर, लीजिए मजा अबाउट दिस सिंड्रोम दैट इज कॉल्ड एज द डाउन सिंड्रोम। ओके तो चलो, सबसे पहला चीज, ये डाउन सिंड्रोम क्या होता है? तो ये डाउन सिंड्रोम क्या होता है? तो डाउन सिंड्रोम इज अ ट्राइसोमी, ये तुम्हारा ट्राइसोमी होता है। सबसे पहला चीज, दिस इज अ ट्राइसोमी। अब बोलोगे कि सर ये ट्राइसोमी क्या है? देखिए, हम लोग के पास हर क्रोमोसोम के दो दो कॉपी होते हैं, एक कॉपी फादर से आता है और एक कॉपी मदर से आता है। इसी कारण से हम लोग क्या लिखते हैं, 2n। लेकिन अगर आपके पास किसी भी क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा कॉपी आ जाए, मतलब दो के जगह तीन कॉपी हो जाए, तो उसे बोलते हैं ट्राइसोमी। तो स्टूडेंट इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? इसे हम लोग लिखेंगे 2n प्लस 1। तो स्टूडेंट 2n प्लस 1 क्या है? तो दिस इज अ एक्स्ट्रा कॉपी। याद रखिए स्टूडेंट, ये तुम्हारा एक एक्स्ट्रा कॉपी है, ये तुम्हारा एक एक्स्ट्रा कॉपी है। किसका सर? 21st क्रोमोसोम का, 21st क्रोमोसोम का। अगर किसी के पास 21st क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा कॉपी होगा तो ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम। तो सबसे पहला चीज ये सब कोई समझ गया। अब देखिए, अगर किसी के पास भी किसी भी क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा कॉपी है और वो ह्यूमन है, तो हमारे पास तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, इसके पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे? तो इसके पास 47 क्रोमोसोम्स होंगे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि डाउन सिंड्रोम में टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे? तो टोटल क्रोमोसोम इज गोइंग टू बी 47। तो ये सबसे पहले आपको समझना है कि स्टूडेंट अगर आपके पास 21st क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा कॉपी होता है, देन यू सफर फ्रॉम द डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अब देखिए एक अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं, थोड़ा टफ है बट इंपॉर्टेंट है, माइट बी आस्क्ड, और अगर आया तो आपके लिए ये एज पॉइंट होगा दूसरे स्टूडेंट्स के ऊपर। तो आपको क्या जानने का है, तो पे अटेंशन स्टूडेंट। कभी आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया, व्हाट डू यू मीन बाय मोजाइक, व्हाट डू यू मीन बाय मोजाइक डाउन सिंड्रोम, आप मोजाइक डाउन सिंड्रोम से क्या समझते हैं, मोजाइक डाउन सिंड्रोम से क्या समझते हैं? तो स्टूडेंट देखिए, ये मोजाइक क्या होता है? जब भी आपको ये मोजाइक वर्ड अगर आपको कहीं भी मिले, अगर एक इंग्लिश में एक वर्ड है मोजाइक, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो देखिए, मान लीजिए स्टूडेंट, जस्ट पे अटेंशन, मान लीजिए स्टूडेंट ये तुम्हारा एक फ्लोर है, ये तुम्हारा एक फ्लोर है, एंड दिस फ्लोर इज ऑफ व्हाइट कलर, ये व्हाइट कलर का है, मतलब पूरा का पूरा फ्लोर व्हाइट हो गया। अब एक दूसरा फ्लोर देखिए, ये एक दूसरा फ्लोर है, एंड दिस इज समथिंग लाइक दिस, एंड दिस इज समथिंग लाइक दिस, तो ये पूरा का पूरा ब्लैक हो गया, ये फ्लोर पूरा का पूरा ब्लैक हो गया। तो दिस इज अ ब्लैक फ्लोर एंड दिस इज अ व्हाइट फ्लोर। बट इफ आई हैव अ फ्लोर समथिंग लाइक दिस, ये आपका बैकग्राउंड है व्हाइट और अब इसमें डॉट डॉट बने हुए हैं ब्लैक ब्लैक, तो दिस इज कॉल्ड अ मोजाइक पैटर्न। इसे क्या बोलते हैं? तो दिस इज कॉल्ड अ मोजाइक पैटर्न। नाउ सी, अगर तुम्हारे इस बॉडी में जितने भी सेल्स हैं सारे के पास 21st क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा कॉपी है, तो दैट इज अ नॉर्मल टाइप ऑफ डाउन सिंड्रोम। ठीक है, मतलब आपके बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उन सारे के सारे सेल्स के पास क्या है, 21st का एक्स्ट्रा कॉपी है। लेकिन अगर वैसा नहीं है, मतलब कुछ सेल्स नॉर्मल है और कुछ सेल्स के पास एक्स्ट्रा कॉपी है, तो वैसे डाउन सिंड्रोम को हम लोग क्या बोलते हैं, द मोजाइक डाउन सिंड्रोम। होप एवरीबॉडी गॉट दिस। तो जस्ट अंडरस्टैंड, आज के बाद आपसे कोई भी पूछे कि मोजाइक क्या होता है, तो याद देखिए, यहां पर फ्यू बॉडी सेल्स आर नॉर्मल,
फ्यू बॉडी सेल्स आर नॉर्मल, कुछ सेल्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, एंड फ्यू सेल्स एंड फ्यू सेल्स सो द ट्राइसोमी एंड फ्यू सेल्स सो द ट्राइसोमी ऑफ द 21st क्रोमोसोम। सबसे पहले बताइए इस कॉन्सेप्ट में मजा आया कि नहीं आया, आज के बाद मोजाइक समझेंगे या नहीं समझेंगे। चलिए स्टूडेंट कम ऑन, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके ओके ओके, यस सर, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ओके स्टूडेंट्स, वेरी 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 गुड। चलिए सर प्लीज अब यहां पे क्लास में थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है, क्लास में ध्यान दीजिए जब अच्छी चीजें बता रहे हैं तो, ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों होता है कि आपके पास किसी क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा कॉपी आ गया, व्हाट कैन बी द काउज, ठीक है। तो स्टूडेंट जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि काउज क्या होता है, देखिए अगर किसी भी के पास एक क्रोमोसोम ज्यादा है एक क्रोमोसोम कम है, सबका रीजन बस एक ही तो है, और उसका रीजन क्या होता है, नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन। याद रखिए स्टूडेंट, अगर नॉन डिसजंक्शन होगा मतलब जब तुम्हारे होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम एनाफेज के समय सेपरेट होने का कोशिश करते हैं, ड्यूरिंग द मियोसिस दे फेल टू सेपरेट, और दोनों क्रोमोसोम एक ही पोल पे चले जाते हैं, उसके कारण से एक पोल के पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता है और दूसरे पोल के पास एक कम क्रोमोसोम हो जाता है। तो इसी कारण से या तो कभी ट्राइसोमी हो सकता है या तो कभी मोनोसोमी हो सकता है, एक क्रोमोसोम ज्यादा हो गया तो ट्राइसोमी और एक क्रोमोसोम कम हो गया तो मोनोसोमी। तो ज्यादा हो उसका भी आंसर है नॉन डिसजंक्शन, कम हो उसका भी आंसर है नॉन डिसजंक्शन। तो ऑलवेज रिमेंबर यहां पे क्या हुआ होगा, यहां पे हुआ होगा नॉन डिसजंक्शन ऑफ 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। यहां पर किसका ट्राइसोमी हुआ है 21st का, तो वही क्रोमोसोम फेल किया होगा सेपरेट करने का। That's why student you always should know। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि इसी में, कोई भी पूछे आपसे कुछ भी पूछे जिसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, the answer should be always and always what sir, the non disjunction। अब देखिए student अगर non disjunction हुआ, now what are the chances which increase the incidence of the down syndrome। कब ऐसा होता है कि डाउन सिंड्रोम के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो याद रखिए स्टूडेंट अगर मदर का एज, इफ मदर एज, ध्यान दीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इफ मदर का एज इज ग्रेटर देन 35 इयर्स ऑफ एज, ग्रेटर देन 35 इयर्स ऑफ एज, अगर मदर का एज 35 इयर्स से ज्यादा है तो बच्चे को डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है कि इफ द फर्स्ट चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम। तो याद रखिए, तो दूसरे बेबी में भी डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस हाई होते हैं। तो ऑलवेज डू रिमेंबर दिस पॉइंट्स कि अगर मदर का एज 35 से ज्यादा है या पहला बेबी डाउन सिंड्रोम से सफर कर रहा है तो दूसरे बेबी में भी डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस हाई होते हैं। तो स्टूडेंट अगर ऐसा है तो डाउन सिंड्रोम के अभी मैं आपको फीचर्स बताऊंगा और आप देखेंगे कि फीचर्स ऐसे नहीं हैं जिस फीचर के साथ ये बच्चा सोसाइटी में एक अच्छे लाइफ को जी सकता है। तो इट्स बेटर कि वी गो फॉर एबॉर्शन, इट्स बेटर दैट वी गो फॉर एबॉर्शन, दैट इज कॉल्ड एज द MTP। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि जो बच्चा है, जो फीटस है, ही इज गोइंग टू सफर फ्रॉम दिस डिजीज। तो स्टूडेंट क्या होता है कि अगर मदर का एज बहुत हाई है
या फिर इफ द फर्स्ट बेबी इज सफरिंग फ्रॉम सच एंड सच डिसऑर्डर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो स्टूडेंट ऐसे केस में वी विल गो फॉर एमनियोसेंटेसिस। हम लोग क्या करेंगे, एमनियोसेंटेसिस करेंगे। एमनियोसेंटेसिस से भी हर साल नीट में क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस वन ऑल्सो, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सारा चीज बता देंगे यहीं पे। तो स्टूडेंट एमनियोसेंटेसिस में हम लोग क्या करते हैं, एक निडल को एमनियोटिक फ्लूइड निकालने के लिए यूज करते हैं, और उस फ्लूइड में फीटस के सेल्स होते हैं, और स्टूडेंट हम लोग उन सेल्स को एनालाइज कर सकते हैं कि क्या इसके पास किसी भी तरह का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। तो स्टूडेंट सबसे पहला चीज एमनियोसेंटेसिस क्या है, तो जन्म होने से पहले आप कोई टेस्ट करते हैं, तो स्टूडेंट दिस इज अ प्रीनेटल, दिस इज अ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। ऑलवेज रिमेंबर ये किस तरह का टेक्निक है, तो ये एक प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है, मतलब जन्म से पहले टेस्ट करने का टेक्निक है। क्या टेस्ट करते हो, तो ऑलवेज रिमेंबर एमनियोसेंटेसिस इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट क्रोमोसोमल, याद रखिए क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी। इससे हम लोग केवल और केवल क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी ही पता कर सकते हैं। डाउन सिंड्रोम भी एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी है, तो आप उसको पता कर पाएंगे। अगर वो क्रोमोसोमल नहीं है तो उन डिजीजेस का पता एमनियोसेंटेसिस से नहीं चल सकता है। याद रखिए एमनियोसेंटेसिस से सिंस हम लोग क्रोमोसोम को स्टडी कर सकते हैं, इवन वी कैन डिटरमाइन द सेक्स, बट सेक्स डिटरमिनेशन इससे किया जा सकता है, बट दिस इज नॉट द यूज, दिस इज द मिस यूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस। याद रखिएगा सेक्स डिटरमिनेशन कि भाई जो फीटस है वो मेल है या फीमेल है, by using amniocentesis is not the use, this is the misuse, याद रखिएगा this is the misuse। तो स्टूडेंट कोई भी चीज अगर आप misuse कर रहे हैं तो illegal होता है, that is going to be illegal, always and always do remember। एक बार NEET में ये question भी आ चुका है, बड़े ही प्यार से question में लिख दिया था, एमनियोसेंटेसिस कैन बी यूज टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द फीटस। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने भी इसका आंसर सही मार्क कर दिया, इसके आंसर को सही मार्क कर दिया, बट स्टूडेंट नो डाउट आप पता कर सकते हो, लेकिन वो यूज नहीं है, वो क्या है, वो मिस यूज है। तो आपको उस लाइन को ध्यान देना था कि एमनियोसेंटेसिस को हम सेक्स डिटरमिनेशन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, अगर आप करते हैं तो वो एक इलीगल थिंग है, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट दैट एमनियोसेंटेसिस कैन बी यूज टू डिटरमाइन द सेक्स। होप एवरीबॉडी गॉट दिस, अगली बार से जब भी ये क्वेश्चन आए तो गलत मत कीजिएगा, और याद रखिएगा एमनियोसेंटेसिस करने का बेस्ट टाइमिंग कब होता है, कि कब करें एमनियोसेंटेसिस, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू डू एमनियोसेंटेसिस। तो स्टूडेंट चलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कमेंट सेक्शन को भर दीजिए सही आंसर से, कमेंट सेक्शन को भर दीजिए सही आंसर से, वेटिंग फॉर योर आंसर्स, कम ऑन, व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर डूइंग एमनियोसेंटेसिस। यस यस, नॉट ओके ओके, नाउ फ्यू पीपल आई थिंक दे आर माई स्टूडेंट्स, माई क्लासरूम स्टूडेंट्स ओनली, ओके यस यस, वेरी वेरी गुड, चलिए कुछ लोगों ने जरूर सही जवाब दिया है, कुछ लोगों ने जरूर सही जवाब दिया है, और जिन्होंने भी दिया है याद रखिए वेरी गुड स्टूडेंट्स, एंड अदर्स लिख लीजिए 14 टू 15 वीक ऑफ गेस्टेशन, ऑफ गेस्टेशन, ठीक है, ऑफ गेस्टेशन, याद रखिएगा
14 to 15 वीक ऑफ गेस्टेशन ये बेस्ट टाइम होता है एमनियोसेंटेसिस करने का। और ये क्वेश्चन भी नीट में आ चुका है और बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, बस 3-4 साल पहले ही ये क्वेश्चन नीट में आया था। तो स्टूडेंट्स कभी मत सोचिए कि हम जो बताते हैं सर आप बहुत ज्यादा बता देते हो, नहीं सर, सारे चीज नीट में आ सकते हैं या ऑलरेडी आए हुए हैं। ठीक है, अब देखो अगर मान लो एमनियोसेंटेसिस करने पे पता चलता है कि फीटस इज गोइंग टू सफर फ्रॉम सच एंड सच डिजीज, तो अगर वो डिजीज अच्छा नहीं है जिसके कारण से फीटस जब डेवलप होगा, जब बर्थ होगा, तो उसे अच्छी लाइफ नहीं मिलेगी, तो स्टूडेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन गो फॉर द एबॉर्शन एंड दैट इज ए लीगल टाइप ऑफ एबॉर्शन, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे कि हम लोग बोलते हैं MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एंड एज यूजुअल स्टूडेंट इट्स गुड मॉर्निंग फ्रॉम माई साइड, तो स्टूडेंट यस बिल्कुल 12 बज चुका है एंड इट्स अ गुड मॉर्निंग फ्रॉम माई साइड एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो कि मेरे को जानते हैं। तो स्टूडेंट्स इफ यू नो मी वेरी वेल, आई हैव गॉट अ सन एंड नाउ ही इज गोइंग टू बिकम 2 years ऑफ एज टूडे। स्टूडेंट ही इज हैविंग अ हैप्पी बर्थडे टूडे, सो प्लीज विश माई सन हैप्पी बर्थडे फ्रॉम ऑल ऑफ यू साइड्स स्टूडेंट। तो कल हमारे जो ये क्लासेस होते हैं ये कल नहीं होंगे, कल आई विल बी सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, तो स्टूडेंट्स आई विल बी वेरी बिजी टुमारो, सो प्लीज विश माय सन हैप्पी बर्थडे, हिज नेम इज शाश्वत सिंह। ओके स्टूडेंट्स आप सभी को बताते हैं उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है स्टूडेंट शाश्वत सिंह। ओके सो स्टूडेंट्स ओके जस्ट वेट स्टूडेंट्स, इट इज द नेम ऑफ माय सन, ही इज नोन एज शाश्वत सिंह, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग हिज इमेज, ओके आई विल शेयर ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप शाश्वत सिंह, सो प्लीज विश हिम हैप्पी बर्थडे फ्रॉम ऑल ऑफ योर साइड्स। ओके सो ही इज अ ऑसम गाय, सम कभी ना कभी मैं आपको जरूर दिखाऊंगा उसे इसी चैनल पे, कुछ वीडियोस भी लेके आऊंगा, ही इज वेरी वेरी ऑसम। तो स्टूडेंट्स यस सर, थैंक यू एवरीबडी, ओके 100 पीपल आर देयर वॉचिंग अस लाइव एंड हैप्पी बर्थडे शाश्वत सिंह। ओके सर आज मिला दीजिए, ओके आई हैव टू सी ही माइट बी स्लीपिंग नाउ, ओके जरूर कभी ना कभी वी विल बी देयर, ओके आज शायद सो गया होगा, आवाजें नहीं आ रही है उसकी, नहीं तो आवाज आता। ओके चलिए स्टूडेंट्स नाउ लेट्स कंटिन्यू, थैंक यू एवरीवन, यू आर ऑसम सन, यस सर, हैप्पी बर्थडे शाश्वत। ओके मैं अभी अपने जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जरूर कुछ फोटो शेयर करूंगा, और कल मेरे क्लासेस नहीं होंगे, ठीक है सर, तो प्लीज गुस्सा मत होइएगा, कल क्लासेस नहीं होंगे, उसके बाद से क्लासेस फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स तो चलिए नाउ लेट्स कंटिन्यू और इस टॉपिक को खत्म करते हैं ताकि फिर हम लोग इस क्विज को कंप्लीट कर पाए। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे थे डाउन सिंड्रोम के बारे में, वी वेयर टॉकिंग अबाउट डाउन सिंड्रोम एंड लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। तो अब बात करते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस डाउन सिंड्रोम, ठीक है, तो स्टूडेंट्स लेट्स प्रोसीड। देखिए सबसे पहला फीचर जो कि आपको पता होना चाहिए, एक एक करके बात करेंगे, द फर्स्ट फीचर देखिए फेस से स्टार्ट करते हैं, तो इसका जो फेस होता है वो बिल्कुल राउंड फेस होता है, फ्लैट फेस होता है, दैट इज अ चांद जैसा मुखरा, दैट इज अ राउंड फेस, याद रखिए स्टूडेंट, तो ही इज गोइंग टू हैव अ राउंड फ्लैट फेस, ओके तो दिस इज द फर्स्ट फीचर। नेक्स्ट स्टूडेंट इस फेस में जब हम लोग इसके अंदर में देखेंगे, मतलब क्रेनियल कैविटी के अंदर में देखेंगे, तो जो ब्रेन है ना वो बहुत ज्यादा रिटार्डेड होता है, तो ही इज गोइंग टू बी हैविंग अ सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, तो स्टूडेंट दिस इज गोइंग टू बी देयर द सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। अब देखिए मेंटल रिटार्डेशन यार कभी कभी मैं क्लासेस में आपको बोल देता हूं खुद से, अरे यार पगला हो क्या, तो यार कोई दिल पे नहीं लेता है, क्यों,
पागल तो सबको ही है, थोड़ा मोरा पागल तो मैं भी हूं सर, तो हम लोग सब थोड़े थोड़े पागल हैं, बट यहां पर जो डिग्री ऑफ मेंटल रिटार्डेशन है वो बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि दिस बेबी कैन नॉट लर्न, तो यहां पर यू विल बी हैविंग द लर्निंग डिसएबिलिटी, लर्निंग डिसएबिलिटी। नाउ लर्निंग डिसएबिलिटी का क्या मतलब है, he cannot learn the language also, he cannot learn the language। अब बताइए कि अगर ये language भी नहीं सीख पाएगा तो क्या ये कभी स्कूल जा पाएगा, तो ये क्या कभी स्कूल जा पाएगा, तो नो सर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स याद देखिए, जैसे जैसे ये बड़ा होगा ठीक है, तो अल्जाइमर डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं, तो स्टूडेंट इट हैज गॉट A high chance of Alzheimer disease, high chance of Alzheimer's disease। तो स्टूडेंट ये जो Alzheimer disease होता है ये क्या होता है, तो जैसे जैसे हम लोग ओल्ड एज होते हैं तो भूलने का जो बीमारी है, मतलब भूल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द लॉस ऑफ मेमोरी, डीमेंसिया। तो डीमेंसिया इसमें बहुत जल्दी होने वाला है। देन स्टूडेंट If you see his eyes, अगर इसके आंखों को देखते हैं तो देखिए आंखों में क्या क्या चीजें आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसके आंखों में कुछ व्हाइट कलर के स्पॉट्स होते हैं, ये आपसे नहीं पूछेगा, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। दैट स्पॉट्स इज कॉल्ड द ब्रश फील्ड स्पॉट्स, दैट स्पॉट्स आर कॉल्ड द ब्रश फील्ड स्पॉट्स ऑन द आई, आई में दे हैव गॉट अ ब्रश फील्ड स्पॉट्स। ओके, इसके अलावा स्टूडेंट इसको कैटरेक्ट होने के चांसेस हाई होते हैं, ही हैज गॉट अ हाई चांस ऑफ कैटरेक्ट, हाई चांस ऑफ कैटरेक्ट। और एक क्वेश्चन जो कि आ चुका है, ही इज हैविंग अ एपिकैंथस फोल्ड, ही इज हैविंग अ एपिकैंथस फोल्ड। अब बोलोगे कि सर ये एपिकैंथस फोल्ड क्या होता है, तो देखिए ये जो हमारा अपर आईलिड है, ये जो हमारा अपर आईलिड है इसमें एक फोल्ड बन जाता है जो कि कॉर्निया को कवर करता है। कौन से आईलिड में, मैंने बताया अपर आईलिड में, आपका जो अपर आईलिड है उसमें एक स्किन का फोल्ड होता है जो कि कॉर्निया को कवर करने लगता है, एंड दैट फोल्ड इज कॉल्ड एपिकैंथस। कैटरेक्ट के बारे में जिसको नहीं पता, देखो हम लोग का जो लेंस होता है, आई का लेंस होता है, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ताकि जो भी लाइट रे आए वो यहां से रिफ्लेक्ट होके अंदर जा पाए और इमेज बना पाए। अगर आपके लेंस में किसी तरह का ओपेसिटी हो गया, किसी भी तरह का ओपेसिटी हो गया, तो इसे हम लोग बोलते हैं कैटरेक्ट हो गया है। तो कैटरेक्ट इज अ डिसऑर्डर ऑफ आई लेंस, आई लेंस में अगर ओपेसिटी हो जाएगा तो उसे हम लोग कैटरेक्ट बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा देखिए क्या होता है, इसके अलावा स्टूडेंट ही हैज ऑलवेज ओपन माउथ, इसका जो माउथ है वो हमेशा खुला हुआ रहता है, ऑलवेज ओपन माउथ। अब सिंस इसका माउथ हमेशा खुला हुआ रहता है, इसका जो टंग है वो बाहर रहेगा, प्रोट्रूडिंग टंग, प्रोट्रूडिंग टंग, ठीक है, प्रोट्रूडिंग टंग। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर आप इसमें कान में देखें तो कान में भी डेफनेस की बीमारी इसे हो सकती है, तो ही हैज अ हाई चांस ऑफ डेफनेस। तो इतने सारे चीज आपको इसके फेस वाले एरिया में देखने को मिल जाएंगे। अब स्टूडेंट चेस्ट में आइए, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, बट आपको जो इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि चेस्ट में यू हैव द हार्ट, तो कार्डियक डिफेक्ट्स, इसको हार्ट में भी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हार्ट प्रॉब्लम्स कैन बी देयर। नेक्स्ट स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट फीचर है इसका वो यहां पे है, ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आप लोग अपने पाम को देखिए, आप लोग अपने पाम को देखिए, तो बहुत सारे लाइंस यहां पे बने हुए हैं, बहुत सारे लाइंस बने हुए हैं, बट इस बेबी के पाम में केवल और केवल एक सिंगल पामक डीप क्रीच होता है। तो स्टूडेंट याद रखिए, ही हैज गॉट अ सिंगल पाम क्रीच, सिंगल पाम क्रीच, इसके पाम में एक सिंगल डीप क्रीच होता है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
और इसके साथ आप देखिए हम लोग के जो ये फिंगरप्रिंट्स होते हैं, तो फिंगरप्रिंट्स में आप देखेंगे कि इस तरह का प्रिंट बनता है। जब हम लोग प्रिंट लगाते हैं, अंगूठा का निशान लगाते हैं या फिंगरप्रिंट्स लगाते हैं, तो कुछ इस तरह के निशान बनते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं वॉल्स। इसे क्या बोलते हैं? वॉल्स। इसका जो फिंगर्स होता है, स्पेशली द थंब, उसमें जो वॉल्स होते हैं वो एक्सेसिव होते हैं। तो पाम में लाइन तो केवल एक तो है, बट जो थंब्स है उसमें जो वॉल्स होते हैं वो एक्सेसिव होते हैं। तो ही हैज गॉट एक्सेसिव वॉल्स, ऑन द फिंगर्स, तो ये इसका फीचर जो हाथ का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। इसके अलावा इसके पैर को देखते हैं, तो देखिए आप लोग अपने अपने पैर को देखिए यार। जब आप पैर को देखोगे तो आपका जो पैर का अंगूठा है, मान लीजिए दिस इज द पैर का अंगूठा, ठीक है, तो पैर का अंगूठा हमारा रेस्ट ऑफ फिंगर्स के साथ क्लोज रहता है, इस तरह से। लेकिन इस बेबी में जब आप देखोगे तो इसका जो पैर का अंगूठा है ये थोड़ा सा दूर रहता है, देयर इज अ इंक्रीज्ड गैप बिटवीन द टो, दैट इज द थंब ऑफ द फुट एंड रेस्ट ऑफ द फिंगर, तो गैप ज्यादा रहता है। तो स्टूडेंट देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड गैप, बिटवीन व्हाट, तो बिटवीन द थंब